ही गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं दीप स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में, जिसका नेम है कैश लाइफ विद दीप। तो गाइस, ये देखिए मेरी आईज़ में ना, कल रात को मैं तड़का लगा रही थी तो जो मिर्ची होती है ना, वो उड़ के गर्म मिर्ची आँखों के अंदर चली गई थी। और तब से आँख से ना मतलब भारी भारी सा लग रहा है ये आँख। और बाकी अभी मैं ये व्लॉग जो है अपना मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जस्ट सो के उठी हूँ और पानी में रात को ही गर्म करके रख लेती हूँ, तो अभी मैं पानी पीऊँगी। और आने वाली है आंटी, तो आंटी के साथ करने वाली हूँ मैं बहुत ही बड़ा वाला प्रैंक। और प्रैंक ये होगा गाइस कि मैं उनको बोलूँगी कि ऐसा है ना आंटी, आपका काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो आप कल से काम पे मत आना। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। हो सकता है वो नहीं समझे, क्योंकि वो नहीं समझती हैं इन सब चीज़ों को, उनको नहीं पता है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं नहीं होती हैं। और तो फिर भी मैं रिस्क ले रही हूँ और फिंगर क्रॉस कर रही हूँ कि वो इस चीज़ को समझें। और अभी जस्ट 7:30 हुआ है ना, आने वाली है चाय, मैं उनके साथ ही पीती हूँ। फिलहाल मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, तो कल रात को मेरी आँख में ऐसा हो गया ना, इस वजह से मैं बर्तन भी साफ़ नहीं कर पाई, नहीं तो मैं बर्तन वर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और छन छन महारानी भी मेरे साथ ही हो जाती हैं, तो मैं दिखा रही हूँ। देखो, मैंने छन छन को डायपर पहना दिया है और उसको डांट के मैं बिठाई हूँ कि थोड़ी देर मेरे साथ ही रहे, क्योंकि साथ उठ जाती है ना तो फिर ये साथ साथ, अरे 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 देखो ये गिर गई वहाँ से। और इसको जब मैंने डायपर पहनाया ना, तो थोड़ा सा इसको लग रहा होगा कि मैंने क्या पहन लिया है, बट मैंने इसको इसलिए पहना दिया है कि बार बार मैं इसे बाहर नहीं भेज सकती थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और अंदर रहेगी तो ये बार बार पी करती रहेगी इधर उधर। तो मैं इसको नाइट में डायपर ही पहना देती हूँ और मॉर्निंग में निकाल देती हूँ जब छत पे जाते हैं। तो अभी इसको डांट के मैंने बिठाया है यहाँ पे, तो ये चुपचाप से ऐसी बैठी रहेगी और मैं अपना काम करती रहूँगी। गाइस, ये सारे बर्तन रात के पड़े हैं, क्या ही बर्तन दिखाऊं मैं आपको। बस किचन मेरा थोड़ा बहुत मैंने साफ़ कर लिया है, क्लीन कर लिया है, और मैं कल करूँगी किचन की डीप क्लीनिंग। और मैं यहाँ पे भी गीज़र ऑन कर देती हूँ। मतलब अभी ऐसे बहुत सारा बर्तन पड़ा हुआ है, कल रात को मैंने बर्तन नहीं धुले थे और इस वजह से ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगी बर्तन को। तो गाइस, मैं करने वाली थी आंटी पे प्रैंक, बट मुझे लग रहा है आंटी ने मेरे ऊपर ही प्रैंक कर दिया यार। वो आई नहीं आज, रोज़ 7:30 बजे आ जाती हैं, तो आज आई नहीं। अगर नहीं आएंगी वो तो मेरे लिए बहुत सारा काम फैल जाएगा, बाई गॉड। और अभी जस्ट मैंने बर्तन वर्तन सब साफ़ कर लिए हैं, पूरा क्लीन कर लिया है, और यहाँ पे चाय बन रही है, चाय मैंने रख दिया है बनने के लिए। और अभी वेट कर रही हूँ मैं, देखती हूँ अगर आती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना काम करना स्टार्ट करूँगी। बट अब मैं इसको क्या बोलूँ, मैं जिसकी भी प्रैंक करने वाली थी उल्टा प्रैंक मेरे ऊपर ही हो गया। अभी मैं वेट करूँगी 8:30 बजे तक, फिर देखती हूँ क्या होता है, तो मिलती हूँ। तो गाइस, आंटी तो आई नहीं, तो मैं ही लगा लूँ झाड़ू? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार, झाड़ू लगा के मिलती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा लूँ पहले। तो गाइस, मैंने नहा लिया है, नहा के मैंने जैसे आपको दिखाया मैंने पूजा वूजा सब कुछ कर लिया है। और मेरा अभी जस्ट मैं अथर्व के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। आज सुबह सुबह अथर्व डांट सुन लिया है छन छन के चक्कर में, उसकी क्लास चल रही थी और वो ऊपर से नीचे ही नहीं आ रही थी और मैं पूजा कर रही थी, तो सारा फ्रस्ट्रेशन अथर्व पे निकल गया है, तो वो अभी थोड़ा सा सैड हो रहा है। तो मैं उसके मन पसंद का जो है ना नाश्ता बना देती हूँ, उसको ब्रेड पकौड़ा खाना था तो मैंने कहा चलो ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ। और फिर चलो मैं मिलती हूँ उसको, ब्रेड पकौड़ा वगैरह नाश्ता वास्ता करा के फिर मिलती हूँ और करती हूँ थोड़ी बात, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो आज तो हो गया है मेरा पोपट, आपको भी पता है मैं आंटी पे करने वाली थी प्रैंक, बट आज आंटी ही नहीं आई और उन्होंने ही मेरे पे प्रैंक कर दिया। तो यार, दिस इज़ तो नॉट फेयर, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। लेकिन ये प्रैंक का बदला तो मैं आंटी से ज़रूर लूँगी, और लूँगी ज़रूर, जिस दिन भी आ गई हूँ, कल आएंगी, कल ही लूँगी, लूँगी ज़रूर। तो चलिए फिर, मैं अभी तो मैं चल रही हूँ नाश्ता बनाने और मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद, ठीक है? तो बाय बाय। तो गाइस, आज के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने थोड़े से अपने लिए गोभी के पकौड़े बना लिए थे, क्योंकि अथर्व के लिए मैंने यहाँ ब्रेड और के पकौड़े बनाए थे, उसको सिंपल सा ब्रेड पकौड़ा अच्छा लगता है। और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक और भी बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेडी किया है, ये पोहा है। पोहा को मैंने दूध में सोक किया हुआ है, आप कभी खा के देखिएगा गाइस, ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी भी लगता है। और इसके साथ मैंने गुड़ ऐड किया है, आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ दूध और पोहा को ही मिला के रखा हुआ है। और यही आज मेरा ब्रेकफास्ट है अथर्व के लिए, मैंने यहाँ पे मिल्क रेडी कर दिया है और ये बनाया है मैंने उसके लिए ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा इसको सिंपल वाला ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये बनाया है।
और बस आज का हमारा ब्रेकफास्ट यही है और हम जाएंगे छत पे बैठ के करेंगे हम ब्रेकफास्ट अच्छे से। और छनछन भी ऊपर ही बैठी है, छनछन को भी ऊपर नहला के ऊपर ही छोड़ दूंगी, उसको दूध दूध पिला दिया है। तो आज है हमारा बस यही ब्रेकफास्ट, ये वाला ब्रेकफास्ट आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत हेल्दी एंड बहुत टेस्टी होता है ये। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ छत पे और मैंने आपको अपना ब्रेकफास्ट शो किया है कि मैं क्या उसको आगे खींचो बनाई हूँ आज। तो अथर को मैंने आज सुबह सुबह डांट दिया है तो थोड़ा सा उसका होता है ना, सिंपल सा उसको वही पसंद है। ब्रेड पकौड़े में कुछ आलू की नीड़नी होती है। और बस हम लोग अब यहाँ बैठ के आराम से, अथर वहाँ पे खा रहा है अथर, और ये हमारी छनछन रानी है छनछन। तो बस अब हम बैठ के खाएंगे, धूप में नाश्ता करेंगे। और मेरा जो नाश्ता है, मैंने आप लोगों को शो किया है कि मैं क्या खा रही हूँ। मैंने अपने लिए गोभी के थोड़े से पकोड़े बना लिए थे और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें अपने लिए जो है ना पोहा, वो मैंने दूध में सोख करके गुड़ के साथ मैं अपने लिए बना के रखी हूँ। काफ़ी हेल्दी है वो, काफ़ी अच्छा भी लगता है खाने में। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट यही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा तो हो चुका है पोपट, मेरा ही प्रैंक हो गया है तो ये बदला तो मैं आंटी से लूँगी ज़रूर। मैंने सोचा था उन पर प्रैंक करूँ बट हो नहीं पाया। तो चलिए ठीक है, आज का मेरा यही ब्लॉग है। और लंच में बस दाल चावल बनाऊँगी तो वो मैं शो नहीं करूँगी, तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, अपना ब्रेकफास्ट करने। तो चलिए आप लोग भी आ जाओ, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। तब तक के लिए बाय बाय।